हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि आपके एक्वेरियम के अंदर मछलियां क्यों मरती हैं? दोस्तों, मछलियों के मरने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से सबसे जो एक मेन कारण है वो पानी की गंदगी का है। जब पानी गंदा होता है तो मछलियां फौरन मर जाती हैं। उसके लिए हमें अपने एक्वेरियम के पानी को जो है बिल्कुल साफ रखना है, जिसके लिए जो है हमें अच्छे से अच्छा फिल्टर का इस्तेमाल करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी फिल्टर के बारे में बताने वाला हूं कि हम अपने टैंक के अंदर जो है कौन सा फिल्टर यूज़ करें, और फिल्टर के कितने किस्में होती है, कितने टाइप्स होते हैं, और कौन सा फिल्टर कौन से टैंक के अंदर सफिशियंट है, और अपनी कौन से मछलियों के लिए कौन सा फिल्टर हमारा अच्छा होता है, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे फिल्टर रखे हुए हैं, तो मैं आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ। फिल्टर के टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सा फिल्टर किस तरह से काम करता है। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए आपको बताता हूं कि कौन सा फिल्टर जो है किस टैंक के लिए सफिशियंट है, और किन मछलियों के लिए कौन सा फिल्टर आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इस एयर पंप के बारे में बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि एक बॉल लेते हैं, फिश बॉल लेते हैं, उसके अंदर दो तीन मछलियां लेते हैं, और ये जो एयर पंप है वो एयर पंप डाल देते हैं, जिसके सामने एक पाइप होती है और स्टोन आता है, वो बॉल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, मछलियों को एयर तो मिल जाती है लेकिन पानी फिल्टर नहीं होता, पानी साफ नहीं होता। क्योंकि जब हम खाना डालते हैं, मछलियाँ जो है खाती भी हैं और वेस्ट भी करती हैं, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा गंदा होता है। इस मशीन से जो है इसे आप एयर तो मिल जाएगा मछलियों के, लेकिन पानी फिल्टर नहीं होगा। तो इसके लिए जो है इस एयर पंप को जो है इसके साथ में जो फिल्टर भी हमें जोड़ना ज़रूरी है। तो इस मशीन के लिए जो है हमें इस ऐसे वाला फिल्टर का यूज़ करना है। ये जो है बायो स्पंज फिल्टर है, इस स्पंज का भी इस्तेमाल करना है। अगर सिर्फ आप एयर पंप यूज़ करेंगे तो पानी गंदा ज़्यादा होगा। इसके लिए जो है हमें इस टाइप का फिल्टर आता है, ये पानी के अंदर रहता है, इसके अंदर हमें डालना है। या आपको जो है एक फीट तक के टैंक के लिए, या फिर छोटे जो अपने बॉल रहते हैं बॉल के लिए ये हम यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई आप अगर प्लांटेड टैंक किए हुए हो तो आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरा इसके अंदर आपको साइज मिलेंगे, इसमें जो है आपको छोटा साइज मिलेगा, जैसे कि आपको ये छोटा साइज़ है, आपका छोटा बॉल है, या छोटा सबसे छोटा टैंक है, जैसे कि आप छोटे टैंक में आप बेटा फिश रखे हुए हो उसके लिए भी यूज़ होगा, या फिर बड़ा टैंक होगा जैसे कि आपके पास डिस्कस वगैरह है, तो उसके लिए जो है दोस्तों जो है इसमें बड़ा स्पंज आता है, आप ये यूज़ करें। देखिए, कुछ कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिसको ज़्यादा प्रेशर नहीं चलता, तो ऐसी मछलियों के लिए जो आपके पास जो है बेस्ट ऑप्शन ये स्पंज फिल्टर है। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा तो मछलियाँ स्ट्रेस में आती है, जैसे कि डिस्कस फिश हो गई, टेट्रा वराइटीज़ हो गई, या एंजल फिश हो गई, इनको ज़्यादा प्रेशर, जैसे कि ये ऐसा वाला एक्वेरियम होता है, ऐसे वाला जो फिल्टर होता है, जो पावर फिल्टर होता है, वो एंजल के लिए या डिस्कस के लिए या टेट्रा वराइटी के लिए काम नहीं करता। उसके लिए हमें जो है ऐसे यूज़ करना है। तो दूसरा जो है हम इस अपने मशीन के लिए जो एयर पंप के लिए जो है इस टाइप का जो है फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास अगर फिश बॉल होगा तो ये आप इसके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं, ये फिश बॉल के अंदर जो है फिल्टर का काम करेगा। ये ग्रेवल फिल्टर है, बॉल के लिए है, और इसके अंदर आपको अगर टैंक के लिए चाहिए तो टैंक के अंदर भी जो है आपको फिल्टर मिल जाता है। जैसे कि ये अंडर ग्रेवल फिल्टर है, जैसे कि आप अपने टैंक के अंदर बारीक रेती रखने वाले हो तो उसके नीचे ये लगाया जाता है, जिससे क्या होता है जो मछलियों की जो भी गंदगी होती है इसके अंदर जो है नेट होता है, इसके अंदर जो है नेट होता है, इस टाइप का नेट होता है, इस नेट के अंदर जो है पूरी गंदगी निकल जाके बैठती है। इसके अंदर जो पाइप वगैरह आता है आपको यहाँ से एयर पंप वगैरह निकलेगा, तो ये आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको साइज ही मिल जाएंगे, टैंक के हिसाब से साइज छोटी बड़ी साइज मिल जाएंगे। एक फुट का टैंक होगा, या डेढ़ फुट का टैंक होगा, या दो फुट का टैंक होगा, उसके लिए आपको साइज मिल जाएंगे। और अब बात करेंगे हम, अगर जैसे कि ये एयर पंप है तो इसके अंदर भी जो है दोस्तों टाइप्स होते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, कई मरतबा जो हम लगा दें इसके वाइब्रेशन का जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को रात को नींद भी नहीं आती। तो इससे बचने के लिए जो है लोग परेशान होते हैं, उसके लिए जो है इसके अंदर साइलेंट एयर पंप भी आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि RS का 290 का साइलेंट एयर पंप है, ये भी है, और ये जो है ब्लू पेट का है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर साइलेंट भी आता है,
अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक है तो आपको डबल नोजल वाला फिल्टर भी आता है। इसमें भी आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। जैसे कि आप दुकान में अपनी शॉप में आएंगे तो आपको मैं सारे वैरायटी बता दूंगा। डबल नोजल के अंदर भी आपको जो है ये साइलेंट वाला एयर पंप मिल जाएगा। उसके बाद में जो दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा, ये पावर फिल्टर है और ये पावर फिल्टर है। इसके अंदर जो है आपको एयर भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा मछलियों के लिए, और पानी को साफ करने का इसके अंदर स्पंज का सिस्टम भी आता है। तो जिसकी वजह से जिससे जो है एयर पंप एयर भी मिलेगा और आपका पानी भी क्लीन होगा। दोस्तों ये जो फिल्टर है ये कम से कम आपको जो WP950F है, सोबो कंपनी का है। ये फिल्टर आपको कम से कम एक से डेढ़ फुट के टैंक तक के लिए सफिशियंट है। अगर आपका टैंक बड़ा है तो उसके लिए बड़े टैंक के लिए भी आपको बड़ा फिल्टर मिल जाएगा। जैसे कि ये ब्लूपेट का फिल्टर है, ये 1000F है। ये आपको कम से कम 2 फीट के तक के टैंक के लिए सफिशियंट होता है। ये भी बिल्कुल सेम ही है, ये एयर भी मिलेगा इसमें और पानी फिल्टर भी होगा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। जैसे कि ये ब्लूपेट है, इसके अंदर आपको सोबो का फिल्टर मिल जाएगा, आरएस का फिल्टर मिल जाएगा, ब्लूपेट का मिल जाएगा, जिलोंग का मिल जाएगा, और इसमें आपको साइज भी बड़ी छोटी मिल जाएंगे। आपको 1 फीट से लेके 4 फीट 5 फीट तक के टैंक के लिए जो है आपको इस ऐसे वाला फिल्टर मिल जाएगा। दोस्तों ये भी स्पंज फिल्टर है। जैसे कि आपको मैं बताया, अगर आपके पास डिस्कस फिश है या फिर टेट्रा वराइटीज के फिल्टर है तो आपको ये स्पंज फिल्टर बहुत आपके लिए ज़रूरी है। जिसके अंदर जो है कुछ मीडिया भी इसके अंदर ऐड होते हैं, जिसकी वजह से पानी की क्लैरिटी वगैरह अच्छी रहती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी तैयार होते हैं। उसके लिए जो है आपके पास अगर डिस्कस या टेट्रा वराइटी होंगी तो उसके लिए जो है ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद में जैसे कि आपको मैं बताया कि एयर पंप के अंदर साइज हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। तो उसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2.5 से 3 फीट के लिए ये साइज चल जाएगा। इससे अगर आपको बड़ा चाहिए तो आपको बड़ा भी मिल जाता है। जैसे कि ये बड़ा फिल्टर है जो जिसकी हाइट 2 फुट कम से कम होगी तो उसके लिए टैंक चल जाएगा। आप लंबाई में आप अगर 4 फुट या 3 फुट के अंदर भी यूज करोगे तो उसके अंदर भी ये चल जाएगा। अगर आपका टैंक इससे बड़ा है, जैसे कि आपके पास 5 फीट का टैंक है, 6 फीट का टैंक है, या 3 फीट या 4 फीट का भी होगा, उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा अगर फिल्ट्रेशन करना है तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शन भी है कि आप सम फिल्टर करें या आप कैनिस्टर फिल्टर का यूज करें। कैनिस्टर फिल्टर भी अपने पास मिल जाएगा, वो भी सही टैंक के साइज के हिसाब से, वो उसमें भी छोटी और बड़ी साइज मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास प्लांटेड टैंक है, प्लांटेड लाइव प्लांट का टैंक है, तो उसके लिए जो दोस्तों ये ऐसे वाले फिल्टर जो है ये यूज नहीं होते, क्योंकि इस इन फिल्टर से आपके जो प्लांट है वो प्लांट निकल जाएंगे और सड़ जाएंगे। उसके लिए जो है आपको प्लांटेड टैंक के लिए जो है हैंग ऑन बैक फिल्टर का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आरएस कंपनी का 1000 फिल्टर है, ये हैंग ऑन फिल्टर है। ये टैंक के बैक साइड में लगेगा, जिससे जो है अपने प्लांट्स वगैरह कुछ हार्म नहीं होंगे, और इसका जो प्रेशर है वो भी एकदम एकदम होता है, जिसकी वजह से अपनी जो टेट्रा है, नियॉन टेट्रा वगैरह मछलियाँ होते हैं उसको भी कुछ डैमेज नहीं होंगे और उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर भी आपको साइज मिल जाते हैं बड़े और छोटे के, और कंपनी भी अलग अलग इसके में आपको मिल जाएंगी। और दूसरा जो दोस्तों, अगर किसी के पास बड़ा टैंक है, आपको फिल्ट्रेशन अच्छा करना है, आपको फिल्टर के अंदर मीडिया डालना है, तो आपको ये जो है टॉप फिल्टर का यूज़ करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर भी आपको बड़ी साइज छोटी साइज बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि ये बड़ा साइज का टॉप फिल्टर है, ये आप जो है 3 फीट तक के टैंक के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है, ये टैंक के ऊपर लगता है, इसका जो एयर जो हेड होता है वो पानी के अंदर आएगा, और इसका जो इसके अंदर एक ट्रे है, ट्रे आपको टैंक के ऊपर लगेंगे और पूरा पानी जो है ये मशीन से वो सक करके ऊपर डालेंगे आपके ट्रे के अंदर, और पानी वहाँ पे साइकिल होकर नीचे गिरेगा। तो ये जो है टॉप फिल्टर है, टैंक के ऊपर लगता है, इससे भी पानी आपका अच्छा होगा और साफ होगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैरायटी के अपने पास फिल्टर हैं, और इसके अलावा भी आपको अगर कोई फिल्टर चाहिए या आपको उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो जितने भी आपको फिल्टर बताए इसके अंदर का, एक एक फिल्टर का मैं जो है अलग से इसका रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा फिल्टर किस तरह से काम करता है, और आपको आपके आपको कौन सा आपके आपके टैंक के लिए कौन सा फिल्टर बेस्ट है, ये भी आपको मैं अपने अगले वाले वीडियो के अंदर जो है एक एक फिल्टर का अलग से जो वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। अगर मेरे वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।